हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मैं अपने कार के सर्विस के लिए। तो मेरा कार 46,000 कर चुका है। तो जाते जाते मैं पहुँच गया मैकेनिक के पास। मेरा गाड़ी अल्टो 800 2023 मॉडल है। तो चलो देखते हैं आज क्या क्या चेंज होता है। मैकेनिक भाई बोल रहे थे स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, मोबिल चेंज करना पड़ेगा। वीडियो देखते रहिए, मैं लास्ट में बताऊँगा ये मैकेनिक भाई का एड्रेस। तो मैं सिलचर से एयर फिल्टर और प्लग लेके आया था। सिलचर एलाइट में मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट्स मिलता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। सबसे बढ़िया बात, एल्टो 800 का पार्ट्स का दाम बहुत ही कम है। तो ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा एक कार है। वीडियो का लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा मेरा कितना खर्चा आया और क्या क्या लगाया मैंने। बात करते करते एयर फिल्टर फिटिंग होकर अभी टाइट हो रहा है। एयर फिल्टर फिटिंग होने का बाद अभी प्लग फिटिंग कर रहे हैं मैकेनिक भाई। ये मैकेनिक भाई बहुत ही अच्छा और क्लीन काम करते हैं, मुझे बहुत पसंद आया इनका काम। तो प्लग और एयर फिल्टर फिटिंग करने के बाद अभी बारी है मोबिल का। भाई ने गाड़ी का नीचे एक गमला लगा के मोबिल ड्राई कर रहे थे। तो मोबिल ड्राई करने के बाद अभी बारी है मोबिल डालने का। तो भैया मोबिल डाल रहे थे तो मेरा गाड़ी का इंजन में 3 लीटर मोबिल जाता है। तो मैं कैस्ट्रॉल मोबिल लाया था, कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक परफॉर्मेंस। इसका प्राइस 2000 रुपया था। 5W30 ग्रेविटी मोबिल का है। तो मोबिल डालते डालते भैया ने सोचा एक बार चेक कर लेते थे, मोबिल चेक कर रहे थे कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कौन सा मोबिल डाला मेरा गाड़ी में। इसके बाद भैया ने बोला एक बार ब्रेक चेक कर लेते हैं। तो मेरा ब्रेक पेड अच्छा था, मैंने नया लगाया था। चेक करने के बाद अभी चक्का फिटिंग कर रहे हैं। अंदर का चक्का चेक करने के बाद अभी भैया बोल रहे थे कि चक्का चक्का चेक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है चेक कर लीजिए, भैया चेक कर रहे थे। तो भैया ने चक्का खोल लिया था, अभी ड्रम खोलना बाकी रह गया था। तो ढूंढते भैया ने 30mm का चॉकेट लगा के ड्रम खोलना स्टार्ट कर लिया था। ड्रम का नाट नहीं खुल रहा था क्योंकि मैंने कभी नहीं खुला था, पहली बार खुल रहा था। भैया ने चॉकेट लगा के बहुत ही दूर लगाया, इसका बट खुल गया। तो नाट खुलते खुलते अभी भरी आया ड्रम का। तो ड्रम ही बहुत जाम था क्योंकि मैंने कभी नहीं खुला था। भैया ने एक कूलर लगा दिया। ड्रम खुलने के बाद मेरा ब्रेक शू और ड्रम दोनों ही खराब हो गया। तो भैया ने बोला ब्रेक शू चेंज कर लीजिए और ड्रम कटा लीजिए। अगर ड्रम थोड़ा बहुत दाग हो जाता है तो उसको चेंज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी मशीन में लेके उसको कटा सकते हैं। फाइनली मैं ब्रेक लगा के मोबिल चेंज करके अभी मैं वाटर सर्विसिंग में लेके आया। सर्विसिंग होते होते आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये मैकेनिक भाई कुलरटोल का है, नोबेल केयर का पास में उसका गैरेज है। और कुल मेरा खर्चा 5000 आया था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा चैनल अभी नया है।